तुम्हें ये सब कब पता चला? अभी कल। मैं चाहता था कि तुम्हें सब बता दूं, लेकिन फिर लगा कि मैं साथ सुन नहीं पाऊंगी। तुम कब तक मेरे लिए ऐसे अकेले दर्द सहते रहोगे अबीर? कहां सहा मिष्टी अकेले दर्द, सब कुछ बता तो दिया तुम्हें। अबीर, सब लोग हमारे बेबी को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते? सॉरी मिष्टी, मैं तुम्हें हमारे बेबी को मेरी माँ से बचा नहीं पाया। I'm sorry. तुम और मैं एक हैं अभी, फिर चाहे वो कोई खुशी हो, फैमिली हो या माँ हो, अब पैकेज डील में। I'm sorry. क्या आंसू बहाने का टाइम नहीं है, मुझे कुकू से बात करनी होगी। वो क्या है कि मैं कुकू कब से फोन कर रही थी, वो फोन ही नहीं उठा रही। कहाँ है? अरे वो कैसे उठाएगी, वो थोड़ी हैंडसेट है ना, इसीलिए। हैंडसेट? नहीं नहीं जी, वो अपसेट होता है, अपसेट। सेम सेम, डिफरेंट डिफरेंट। वो कैसे नहीं होगी, घर में इतना हंगामा जो हो गया। क्या ड्रामा, क्या हुआ जी? वो क्या है ना जसमीत जी, हुआ ये कि हमारे अबीर ने कुह टीचर को और बेनबा को बहुत सारा डांटा, बहुत उन दोनों पे गुस्सा किया, क्योंकि उसको पता चला वो सरोगेट की बात पे इन दोनों के बीच में कुछ पैसों की लेन देन हुई है। वो कैसे? पर हो सकता है ये झूठ भी हो, हो सकता है अबीर ने गुस्से में ये सब बोल दिया हो। अबीर कभी झूठ नहीं बोलता निधि बेन। अब तो मुझे कुह से बात करनी ही पड़ेगी। हेलो मम्मा। कुहू, मैं तुझे कब से फोन कर रही हूँ, तू फोन उठा क्यों नहीं रही है? मम्मा वो कुहू, आज क्या हुआ है मुझे सब पता है, मुझे तुझसे आज मिलना है, अभी। नो 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 नो, मैं सबसे झूठ बोल सकती हूँ, मम्मा से नहीं, एक सेकंड में पकड़ी जाऊंगी। कुहू तो सुन रही है ना मैं क्या कह रही हूँ। आई एम सॉरी मम्मा, मैं आपसे नहीं मिल सकती। क्या आप मुझसे इतने महीने से नाराज है ना, आप मिलेंगी तो डांटेंगी, और डॉक्टर ने मुझे आराम करने के लिए कहा है। आपको गुस्सा रहना है, आप गुस्सा रहिए, मैं भी आपसे नहीं मिलना चाहती आज तक। बाय। मिष्टी कहाँ चली गई? मासी, मिष्टी को देखा क्या? नहीं तो, अबीर सुना था कि सच कड़वा होता है, लेकिन इतना कड़वा होता है ये कभी सोचा नहीं था। मैंने भी नहीं, माँ तो हमेशा से ऐसी ही थी, पहले कुणाल के प्यार का फायदा उठाती थी और अब कुहू की इनसिक्योरिटीज का, लेकिन हमारे बेबी को इस दुनिया में आने से पहले ही इस घर के टूटने की वजह बना दिया। नानको, भाई प्लीज, मैं झगड़ा नहीं करना चाहता। और तुझे लगता है मैं तुझसे झगड़ा करना चाहता हूँ? नहीं नानको, प्लीज मुझे बता ना प्रॉब्लम क्या है, तुम मिष्टी से इतना नाराज क्यों है? भाई ऐसा कुछ नहीं। नानको तुझे याद है ना, जब तूने मुझे तेरे और मिष्टी के बीच में से किसी एक को चूज करने को कहा था, तो मैंने तुझे चूज किया था। तो अब क्या हो गया नानको, तू सब कैसे भूल गया? तुम मुझे बता क्या प्रॉब्लम है? अगर अबीर और कुणाल साथ नहीं रहे तो ये घर घर नहीं रहेगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अब मैं सब ठीक करके ही रहूंगी। चुप क्यों है नानको, बोल ना। कम ऑन मिष्टी, फोन उठाओ। कहाँ चली गई मिष्टी? लाइव ट्रैकिंग पे ट्रैक करता हूँ। मार्केटप्लेस? शायद कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती होगी। तुम सैक्रिफाइस और सौदे का डिफरेंस तो जानती हो ना, जो तुम कर रही हो वो अपनी बहन के प्यार के लिए कर रही हो या अपने फायदे के लिए कर रही हो? डॉक्टर ने कुहू को खुश रहने के लिए कहा, इसलिए डिलीवरी तक तुम इससे मत मिलो प्लीज। ध्यान से आने के लिए थैंक्स आंटी। बोल अबीर ने क्या कहा है? माँ ने एक डील की है आंटी,
जिसके मुताबिक हमारे बेबी के बदले माँ कुहू को प्रॉपर्टी में बहुत बड़ा हिस्सा देंगी और इसलिए वो सरोगेसी के लिए मानी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता आंटी। आई विश ऐसा नहीं होता, लेकिन अबीर ने खुद उन पेपर्स में ये सब कुछ लिखा हुआ देखा है। कुहू ने क्या कहा? उसने कहा कि ये सब झूठ है। मानने को तो मैं भी तैयार नहीं थी आंटी, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है अभी कभी झूठ नहीं बोलता। हम रियली सॉरी आंटी। मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत नाराज है ना। नाराज थी तुझसे, अबीर से, माँ से और सबसे ज्यादा खुद से, क्योंकि मुझे लगता था कि हम में से कोई भी कुहू का ये फैसला बदलवा ही नहीं सका। मुझे पता था कुहू का ये फैसला आगे जाकर दोनों परिवारों को बहुत महंगा पड़ेगा, और ये भी कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैं कुहू से बात करूंगी। उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा। सॉरी अबीर, तुम्हें बिना बताए बाहर चली गई। कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती थी। मेरे बिना बोले ही समझ गए। अभी मुझे कभी कभी लगता है। नहीं, ये भी बिना बोले ही समझ गए। तुम्हारी आंखों ने सब कुछ कह दिया मिष्टी। जो भी हो रहा है उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और मैं चाहता हूं कि तुम भी ये बात कहो कि जो कुछ भी हो रहा है मिष्टी, कम ऑन, तुम सच बोल रही हो, कॉन्फिडेंटली बोलो कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। नहीं मिष्टी, माँ ने बहुत कुछ ऐसा किया जिसके लिए मैं प्राउड फील नहीं करता, लेकिन इस बार तो माँ ने मेरे और कुणाल के बीच में ही दरार डाल दी। मुझे कुणाल से बात करनी होगी, मुझे उसे सब कुछ बताना होगा। आई नो उसके लिए मुश्किल होगा, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। अभी मैं सोच रही थी कि हम सब पेरेंट्स की तरह बेबी गर्ल के लिए पिंक और बेबी बॉय के लिए ब्लू पालना नहीं चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि तो सब पेरेंट्स करते हैं ना। जब सोसाइटी के रूल्स अजीब राजवंश और रैंगनी चोड़नी पे नहीं चल पाए तो उनके बेबी पे क्या चलेंगे। You're right. हमारा बेबी अपने रूल्स खुद बनाएगा। I'm so sorry, but please, बस एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। मतलब तुम और माँ स्टार्टिंग से मिले हुए थे। नहीं कुणाल, ये आज तक कोई इविल प्लान नहीं था। ये सब जो कुछ भी किया मैंने तुम्हारे लिए किया, हमारे फ्यूचर के लिए किया कुणाल। तुम मुझसे नाराज नहीं होना, तुम मुझे समझते हो ना कुणाल। मासी आइए ना, लेकिन हम बेबी के लिए ये सब देख रहे हैं। एक आइडिया है, हम अपने बेबी के रूम में ना अलग अलग एनिमल्स की पिक्चर्स लगाएंगे। महीने में कम से कम एक बार उसे एक वाइल्ड लाइफ सफारी या तो फिर ट्रैकिंग के लिए लेके जाएंगे। What do you say? क्या सोच रही? अबीर, मैंने पढ़ा है कि प्रेगनेंसी के जिस स्टेज पे कुकू है उस स्टेज पे बेबी सारी बातें सुन सकता है। इसका मतलब वो हमारे झगड़े भी सुन रहा होगा ना। ये तो ठीक बात नहीं है ना अबीर। तुम ठीक कह रही हो बेटा। अबीर, जो हुआ गलत हुआ, मिष्टी और तुम्हें नाराज होने का पूरा हक है, लेकिन इस नाराजगी का असर, बुरा असर बच्चे पर पड़ सकता है ना। आई नो मासी, आई एम सॉरी, लेकिन मैं क्या करता, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। लेकिन आप ही बताइए ना, मेरी क्या गलती है कि कुणाल मुझसे इतना नाराज हो गया, मेरी बात का यकीन नहीं कर रहा। हाय, आपको भी लग रहा ना कि मैंने आपका साथ नहीं दिया, राइट? प्लीज मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करने का एक मौका दे दो, प्लीज। डेफिनेटली तुम्हें चांस मिलेगा, हम सबको एक्सप्लेन कर।
हाँ सबको, तुम सबको बताना चाहती हो ना, तो सबको एक्सप्लेन कर। कुणाल, कुणाल calm down, relax. It's okay भाई, I'm relaxed. Don't worry. जो बोलना है कुहू बोलेगी, बोलो। कुणाल। मिष्टी, तुम ही कह रही थी ना कि बेबी हमारी बात सुन सकता है, so don't worry, मैं कुछ नहीं कहूंगा, जो कहेगी वो कुहू कहेगी, तुम बोलो कुहू। True. मिष्टी, मैं सचमुच आप दोनों को आपका बेबी देना चाहती हूँ, पर सरो किसी के लिए माँ ने मुझे कन्विंस किया था और मैंने उनसे कहा था कि अगर मैं उनको उनका बेबी दूंगी तो वो बदले में कुणाल को उसकी पोजीशन, उसका हक, उसका हिस्सा देंगे। यस, यही सच है भाई। I'm really, really sorry. Thank you, Kunal. I'm really, really sorry. Kunal? भाई मैं आप दोनों से कहता रहा कि कुहू के सैक्रिफाइस की आप लोग वैल्यू नहीं कर रहे हो, लेकिन ये सैक्रिफाइस था ही नहीं, ये एक सौदा था। मान को ब्रो की गलती नहीं है, जो करवाया माँ ने करवाया। भाई माँ के गलत होने से कुहू सही नहीं हो जाती है। ये सब क्यों किया तूने कुहू? बोलो कुहू, तुमने मुझे मिष्टी के खिलाफ भड़का, भाई को बुरा वाला का, घर में रोज फाइट कराए क्यों? मैं तो एक बार कह के पीछे हट गया था ना, तुमने कहा था कि तुम्हें सरोगेट बनना है, तुमने भाई और मिष्टी दोनों को कन्विंस किया जबरदस्ती, यू वांटेड इट, तो फिर क्यों किया ऐसा? सॉरी, आई एम सॉरी कुणाल, आई एम सॉरी मिष्टी, आई एम सॉरी अबीर ब्रो। कुणाल, कुहू ने जो भी किया वो माँ ने करवाया। अभी ये ठीक कह रहा है। मम्मा, कुहू ने जो भी किया तुम्हारी माँ के कहने पर किया था। वर्षा जी, आवाज नीची करके बात कीजिए। मिसेस राजवंश, आप ही ने कहा था ना कि कुणाल का बेटा इस घर का असली वारिस नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस घर का असली बेटा नहीं है, तो उस लिहाज से तो कुहू भी इस घर की बहू नहीं है और ना ही मैं आपकी समधन। अब तक तो मैं रिश्तों की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए चुप थी, बाकी आपने तो सारे रिश्ते ही खत्म कर दिए हमसे, तो इसलिए अब आप जो भी कहिएगा सोच समझ के बोलिएगा। कुणाल, तुमने मन से इन्हें अपनी माँ माना है ना, लेकिन उन्होंने मन से तुम्हें अपना बेटा कभी माना ही नहीं। इन्होंने पारुल जी के साथ जब भी बुरा व्यवहार किया, बुरे तरीके से बात की, हम सबको बुरा लगता था, दुख होता था, लेकिन कुहू को उसको डर लगता है, क्योंकि इन्होंने कभी तुम्हें पारुल जी को उनका हक दिया ही नहीं, इसलिए कुहू ने ये सब किया। वर्षा जी, सच तो ये है कि कुहू यही चाहती थी। कुहू माहेश्वरी खानदान की बेटी है, एक महल जैसे घर में राजकुमारी की तरह रही है, इसलिए उसे आपके पैसे की इतनी सी भी जरूरत नहीं है। इसे और कुणाल को जरूरत है तो सिर्फ इज्जत की, जो आपने कभी दी ही नहीं इन्हें। कुणाल, मैं अब कुहू की सफाई नहीं दे रही हूँ, सिर्फ ये बताने आई हूँ कि तुम्हारे हक के लिए अब मुझसे तक लड़ गई, इतना प्यार करती है तुम्हें। बस करो। चुप कर, बिल्कुल चुप कर। ये सब करके देख लिया ना, तू जो इस घर से चाहती है ना वो तुझे ये घर कभी नहीं दे सकता, इसलिए चल यहाँ से, चल। नहीं, मैं तुझे यहाँ नहीं रहने दूंगी, चल। नहीं मम्मा। आंटी, कुणाल कुहू को रोको बेटा। कुणाल, कुणाल रोको कुहू को। आई अंडरस्टैंड कुहू ने गलती की, पर तुम सचमुच चाहते कि वो घर छोड़ के चली जाए? मिष्टी, हमें आंटी से बात करनी होगी, कम ऑन। चलो। मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी, तो अब मैं तेरी बात सुनने वाली नहीं। अब मुझे बहुत नाराज हो ना। हाँ, नाराज हूँ मैं तुझसे, मेरी बात ना मानने के लिए, अबीर और मिश्री के साथ बुरा बर्ताव करने के लिए मैं नाराज हूँ तुझसे। लेकिन कुहू, तूने जिस वजह से सरोगेसी के लिए हाँ की थी ना, मैं वो वजह समझ सकती हूँ। तो फिर आप उसे क्यों लेके जा रहे हैं? प्लीज अबीर मिष्टी, मुझे तुम दोनों से कोई शिकायत नहीं, लेकिन हाँ,
मैं इस हालत में नहीं हूँ कि तुम दोनों की बात समझ सको। मैं इस वक्त सिर्फ एक माँ हूँ और मुझे मेरी बच्ची की बहुत चिंता हो रही है। आंटी एक बार मेरी बात सुन लीजिए। निष्टी, बस आज नहीं। मैं जानती हूँ तुझे तेरी बेबी की बहुत चिंता हो रही होगी। मेरी बेटी तो इस घर में खुश नहीं रह पाई, लेकिन हाँ मैं तुझे इस बात की जरूर गारंटी दे सकती हूँ कि तुम दोनों का होने वाला बेबी उस घर में सुरक्षित रहेगा। चल आंटी, ऐसी बात नहीं है, प्लीज आंटी, प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा, प्लीज आंटी, प्लीज मत लेके जाइए, प्लीज आंटी, आंटी प्लीज रुकिए। इस घर का वारिस कहीं नहीं जाएगा और इसीलिए कुहू कहीं नहीं जाएगी। मैं भी एक माँ हूँ मिसेज राजवंश, ना अपनी बेटी को दर्द में देख सकती हूँ ना किसी और को, इसलिए मैं दोनों का ध्यान रखूंगी। आप अपनी बेटी के मुंह में सच्चाई को नजरअंदाज कर रही हैं। कुहू ने जो भी किया, मैं अभी भी सबसे कह रही हूँ, इसने अपनी मर्जी से किया है। नहीं माँ, आई अग्री विद वर्षा आंटी। आंटी प्लीज कुहू को मत लेके जाइए, ऐसी हालत में कुहू का स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है, ना इसके लिए ठीक है ना बेबी के लिए, प्लीज। इसलिए तो मैं दोनों को लेके जा रही। नहीं नहीं वर्षा आंटी, हम सब है ना, हम सब। एक पत्नी के लिए अबीर सबकी जरूरत नहीं होती, उसके लिए उसके पति का प्यार ही सब कुछ होता है। कुणाल ने तो कभी कुहू का साथ दिया ही नहीं, और अभी तुम देख लो ना, उसके ससुराल में उसकी माँ खड़ी, उसका पति नहीं। चल कुणाल। आंटी प्लीज, आंटी प्लीज, कुणाल तो सुन रहा है ना, मेरी बात सुनिए, डू समथिंग, रोक लो उसे प्लीज, कुणाल जा रही है, प्लीज कुणाल रोको उसे, प्लीज कुणाल, यू हैव टू स्टॉप हर, यू हैव टू ब्रिंग हर बैक। नहीं भाई, मैंने आप दोनों की बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, इसलिए अब तक चुप था। मैं नहीं चाहता था कि मैं उसके सामने कुछ भी गलत कह दूं। कुणाल, आई अंडरस्टैंड तुम अपसेट हो, कुहू ने जो किया वो डेफिनेटली गलत है, लेकिन उसकी वो गलती करने की वजह तो गलत नहीं थी ना। जब बॉसनी वायरस वाली बात उठी तब तुम्हें कितना बुरा लगा था, तुम इमेजिन करो उसे कितना बुरा लगा होगा, कितना डर लगा होगा उसे। हाँ तो मुझसे बात करती ना, जो इश्यूज थे वो सॉर्ट कर लेती, लेकिन उसने क्या किया, उसने आप दोनों की बेबी को ही यूज कर लिया। भाई आई नो आप क्या कहेंगे कि उसे मैनिपुलेट किया गया था, लेकिन भाई डील तो हो गई थी ना, उसे जो चाहिए था वो तो उसे मिल ही जाता ना, लेकिन उसने प्रेगनेंसी के बाद मिष्टी को इतना बैडली क्यों ट्रीट किया। उस रात भी उसने हम सबसे झूठ कहा कि मिष्टी पार्टी करने चली गई, लेकिन इनफैक्ट उसी ने मिष्टी को आइसक्रीम लाने के लिए भेजा था, राइट मिष्टी? उसने तुम पर इतने सारे झूठे इल्जाम लगाए, तुम्हें इतना कुछ कहा, भाई को इतना कुछ कहा, तुम्हें तुम्हारे बेबी से दूर रखा, मुझे मेरे भाई से दूर रखा, आखिर क्यों? इन सब बातों का तो कोई जस्टिफिकेशन है ही नहीं ना। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।